तो दोस्तों आज बहुत दिन के बाद हम एडिटिंग दिखा रहे हैं। अभी जो आप एडिटिंग देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी एडिटिंग है जो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों इस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए फर्स्ट आपको कैपकट चाहिए, उसके साथ आपको कुछ इस तरह का वीडियो को शूट कर लेना है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का वीडियो को शूट कर लेने के बाद आपको कैपकट ओपन करना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते स्टार्ट। अगर आप चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और हो सके तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। तो पहले तो आपको कैपकट ओपन करना है। कैपकट ओपन करने के बाद आपको चले जाना न्यू प्रोजेक्ट में। दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद जो आपका वीडियो है उस वीडियो को पहले आपको ले लेना है। तो यहाँ पर हम वीडियो को ले लेते हैं। चलिए दोस्तों ये वाला हमारा वीडियो है, तो इस वीडियो को फर्स्ट हम लेके कर देंगे यहाँ से ऐड, मतलब यार क्रिएट करना है। और क्रिएट करने के बाद आपको पहले देखना है टाइमिंग। तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा वीडियो शूट है जो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से लिए देख सकते हैं इस जगह से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट है इसको अभी यहाँ से कर लेंगे स्प्लिट, और जो हमारा सामने का एक्स्ट्रा पार्ट है इस पार्ट को यहाँ से कर देंगे डिलीट। देन यहाँ से गाइस इसका जो साउंड है इसको म्यूट कर देंगे। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा जस्ट इस जगह पे जैसे हम प्रेस कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो यहाँ पर हम प्रेस कर दिए। और प्रेस करने के बाद इस वीडियो को रखना है कुछ इस तरह का, मैं जो गाइस इतना सा रखूंगा। देन यहाँ पर क्लिक करके आपको फिर से और एक स्प्लिट लगा लेना है। देन इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देना जो आपका लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा। देन अभी आपको क्या करना है, जैसे आप जहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं आने के लिए, जैसे गाइस मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह का, तो अभी यहाँ से आपको फिर से और एक बार स्प्लिट करना है। और इस पार्ट को जो है स्पीड में जाके आपको नॉर्मल में जाके कुछ इस तरह से, जैसे मैं माइनस कर रहा हूँ, आपको कुछ इस तरह का माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 सेकंड का है, तो इसको मैं रखने वाला हूँ अभी 30 सेकंड का कुछ इस तरह का। तो चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी हो गया। देन आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहा देख सकते हैं नीचे जो मेक इट स्मूथर, तो क्लिक करना है इसके ऊपर और आपको यहाँ पर कर लेना है बेटर क्वालिटी। तो जैसे आप राइट कर देंगे तो कुछ इस तरह का, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका जो स्लोमो है या स्मूथ स्लोमो है वो दोस्तों यहाँ पर आपका अप्लाइंग होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा अभी टाइम हो गया है, मतलब यहाँ पर 50-60 कुछ इस तरह के 100% हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्लोमो है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अभी हम आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं। तो कुछ जिस तरह के जैसे आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्लोमो ऐड हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले तो क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको कर लेना है 60 FPS, और यहाँ से जो है इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है। तो जैसे आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा आपको क्या करना है, यहाँ से बैक करना है। आपको बैक करने के बाद फिर से आपको चले जाना न्यू प्रोजेक्ट में। देन न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद उस वीडियो को आपको फिर से और एक बार ले लेना है जो अभी आपने एक्सपोर्ट किया। दोस्तों वीडियो को लेने के बाद फिर से आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, और आपको इस साइड में थोड़ा सा आ जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉपी का ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं नीचे आपको दिखा रहा है कॉपी का ऑप्शन, इसी कॉपी करके आपको थोड़ा सा और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर मिल जाएगा थोड़ा सा वेट करने के बाद ओवरले। तो ओवरले में जाना है, इस वीडियो को प्रेस करके आपको सामने कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे आपका सामने हो जाएगा तो आपको देखना है। तो आप देख सकते हैं इस जगह से जो हमारा स्लोमो आ रहा है, तो अभी हम वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, और आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद चले जाना है कटआउट के ऑप्शन में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। तो आपको रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, और आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड जो 1, 2, 3 करके आ रहा है, तो आपको यहाँ से एक बार राइट कर देना। ठीक है, जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये थोड़ा सा हम टाइम ले लेते हैं, जैसे ये कंप्लीट हो जाने तक हम क्या करेंगे, चले जाएंगे ऐड ओवरले में। और ये जो दोस्तों बॉम्ब ब्लास्टिंग वाला वीडियो है ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब में जाके, जैसे आप सर्च करेंगे बॉम्ब ब्लास्टिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देन आपको इस वीडियो को ले लेना है। वीडियो को लेने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो आपको चले जाना है स्पीड के ऑप्शन में, और यहाँ पर नॉर्मल में जाके आपको इसको जितना सा हो सके वीडियो को छोटा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पर हम वीडियो को और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जो मतलब कुछ इस तरह का। ओके, तो ये सही है, लेकिन वीडियो को हमने इतना सा कर दिया। अब आपको देखना है कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो इस जगह से हम बैक करेंगे, और इसका जो साउंड है पहले हम साउंड को ऑफ कर देते हैं। ओके, देन यहाँ पर क्या करेंगे, और एक बार आपको चले जाना कटआउट में, और कटआउट में जाने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो कुछ जिस तरह का दिखा रहा है। तो आपको चले जाना है क्रोमा की, क्रोमा की में जाने के बाद ये जो डॉट आ रहा है, ठीक है, इसी सर्कल को आपको ग्रीन के ऊपर रखना है, और इसका जो इंटेंसिटी है इसमें जाके आपको इसका एकदम फुल कुछ इस तरह का कर देना है। शेडो में जाके शेडो का आपको थोड़ा सा देना है, ठीक है, कुछ इस तरह का। देन यहाँ से आपको राइट करना है, और राइट करने के बाद इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से बड़ा करना है दोस्तों, और आपको जितना सा ऊपर में या साइड में देना है उस जगह पे आपको दे देना है। तो यहाँ से बैक करके
के क्या करना है, आपको चले जाना है यहाँ पर लेयर के ऑप्शन में। लेयर में जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर वन या टू आएगा, तो आपको क्या करना है, वन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे वन में करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा, और पीछे जाने के बाद आपका जो वीडियो है वो बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। और काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग होगा कुछ इस तरह का, जैसे आपका वीडियो स्लोमो होगा और ये बहुत ही रियलिस्टिक जैसा लगेगा आपका वीडियो, तो कुछ इस तरह से आपने वीडियो को बना लेना है। देन दोस्तों वीडियो को बनाने के बाद जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है उस पार्ट को आपको यहाँ से कटआउट कर देना है, और कटआउट करने के बाद इसमें कोई भी साउंड आप ऐड कर सकते हैं। देन आपको फिर से जाना है और यहाँ से आपको वीडियो को अपने सेव कर लेना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और भाई मैं और एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, हो सके तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।